वेरी सो अभी हमें क्या करना है, मैंने क्या किया, यूजर ने जो भी इंफॉर्मेशन लिखा जो कि टेक्स्ट बॉक्स में से आ रहा है, उस टेक्स्ट बॉक्स में से आई एम गेटिंग दैट टेक्स्ट इज जनरली इन विच फॉर्म, स्ट्रिंग, इंटीजर, इट इज इन विच फॉर्म, इट इज इन विच फॉर्म, स्ट्रिंग राइट, इट इज इन विच फॉर्म, स्ट्रिंग राइट, टेल मी इट लाउडली, से इट लाउडली. So if it is in the form of string, I need to apply a string function. So that string function is called as length. Okay. On applying length, it will tell me the string length of the string. So if I don't enter anything, that means what I'm applying. That means what I'm implying. If my length is zero, that means I have not entered anything, right? Everybody agrees to that point? Yes, sir. Everybody agrees. Yes, sir. If the length is zero, that means yeah. So in that case, I need to pass a message. Okay. मुझे message क्या pass करना पड़ेगा? That yeah, I'm doing some error. Okay, so मुझे एक डायलॉग बॉक्स देना पड़ेगा, and that dialog box is basically called as JOption pane. Okay, which is a part of JavaScript. So I'll just write down JOption pane. JOption pane, and in that dot show dialog. Show message dialog box. Show message dialog. Yeah. So message. Just write down somewhere in your book. Okay. So it is important. Okay. Show message dialog. And what I want to pass over here. So over here I'll be passing this comma and the message that I want to print. Okay. So what is the message I want to print? Tell me what is the message that I want to print. क्या मैसेज दिखाना चाहते हो, यूजर को क्या बताना चाहते हो? प्लीज एंटर द यूजर नेम, प्लीज एंटर द यूजर नेम. ओके, सो दिस इज व्हाट आई वांट टू डिस्प्ले ऑन टू दैट डायलॉग बॉक्स. ओके, मैसेज डायलॉग बॉक्स. ओके, उसके बाद ये होने के बाद अब मुझे क्या करना हो गया यहाँ पे कि आई वांट टू परफॉर्म समथिंग एल्स, और कुछ करना है. आई नीड टू चेक whether it is entering the password again or not. So मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को मैं copy कर लेता हूँ. Here I just copy it. Okay. And after else I just paste it. Okay. So right now I'm checking for the password. So what should be the change that I need to do? क्या change करना चाहिए मुझे? If the under text pass. Yeah. So text user की जगह पे it should be text pass. Text user की जगह पर should be text pass. Okay, and yeah, get text automatically would minus key हो गया because I have hidden the information of password, right? So that is why it is just hiding that text. Okay, I am not able to view it. Okay, उसका length भी अगर zero हुआ, that means what should I print the message? Please enter the. Please enter the password. ओके, यहाँ तक क्लियर है? एवरीबडी एग्री स्किल क्लियर राइट? यहाँ पे अगर आप देखोगे लेफ्ट साइड में देयर इज अ एरर व्हिच इज बीइंग क्रिएटेड. ओके, सो अगर आप इस पे राइट क्लिक करोगे, सॉरी इस पे अगर आप क्लिक करोगे, सो इट इज सेइंग दैट कि इसको अगर आपको हटाना है तो यू हैव टू इंपोर्ट अ मेथड व्हिच इज कॉल्ड एज javax.swing.jOptionPane. ओके, सो jOptionPane जो है क्लास, इट इज प्रेजेंट इन जावा स्विंग. ओके, इट इज प्रेजेंट स्विंग एंड स्विंग इज अ पार्ट ऑफ जावा एक्स. तो ये मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा. सो इफ आई जस्ट क्लिक ऑन इट तो वो क्लास मेरी इंपोर्ट हो जाएगी. सो अगर आप ऊपर जाके देखोगे, सो देयर इज अ क्लास javax.swing.jOptionPane व्हिच इज बीइंग इंपोर्टेड ऑटोमेटिकली. यू डोंट हैव टू राइट डाउन कोड फॉर दैट. ओके, सो इट इज ऑलरेडी ऑटोमेटिकली बीइंग डन. इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? सो ऑल द एरर्स हैज बीन रिमूव्ड. ओके, ये कुछ एरर है जो कि कुछ जरूरत नहीं है इसको देखने के लिए, बिकॉज इट इज अ वार्निंग मैसेज, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू सॉल्व इट. ओके, एवरीबडी is okay here till here. यहाँ तक कोड समझ में आ गया? What we have done? Yes. I'm just doing a form validation. I'm not putting the data into the database. I'm just putting the form validation. मैं चेक कर रहा हूँ यूजर डेटा डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है फॉर्म. For this I'm writing the code.
नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, फिर से मैं एलसीएफ कर दूंगा। ओके एलसीएफ में क्या डालूंगा, अभी अभी मुझे क्या चेक करना, व्हाट आई नीड टू चेक राइट नाउ। यूजर पार्ट कमा से हैव एनी गेस, यूजर यूजर पार्ट यूजर व्हाट यूजर टाइप, बट उससे पहले एक पासवर्ड का भी तो एक ऑप्शन है ना अपने पास, कंफर्म तो यूजर पासवर्ड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए कंफर्म पासवर्ड से। सो व्हाट व्हाट इज व्हाट व्हाट वाज व्हाट व्हाट इज द कोड फॉर इट, व्हाट कैन आई राइट फॉर दैट इफ आई वांट टू चेक इफ द। सो आई जस्ट राइट डाउन एल्स इफ, एल्स इफ में क्या लिखूंगा ओवर हियर, टेक्स्ट यूजर डॉट क्या आएगा यहां पे, व्हाट शुड आई गेट ओवर हियर, टेक्स्ट कंफर्म। Okay, so I'll just write down PHT confirm. Okay, I'll get that text. Okay, and if it is equals to, I'll just write down another function which is called as equals. I check with dot. So there is equals. Equals and if I write in this, if I write, what should I write into that? किससे check करना है? किसके equal होना चाहिए? Tell me. With which it should be equal? किसके साथ equal होना चाहिए? So I'll just write down text pass. Pass के साथ equal होना चाहिए. Text pass के से equal होना चाहिए. और text pass में से data कैसे आएगा? With the help of which function it should come? Get text. ओके अगर ये दोनों इक्वल हुआ ओके तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर इक्वल नहीं हुआ तो दैट मींस इफ इट इज इक्वल टू एंड इफ इट इज ओके आई जस्ट राइट ऑन द कोड एंड यू जस्ट लुक एंड टेल मी व्हाट इज आई एम राइटिंग, इफ इट इज नॉट इक्वल दैट मींस इफ इट इज फॉल्स। समझ में आया द वर्किंग ऑफ दिस कोड, इज इट क्लियर टू यू? व्हाट आई हैव रिटन एल्स इफ टेक्स्ट कंफर्म, टेक्स्ट कंफर्म क्या है, इट इज अ वेरिएबल नेम फॉर व्हाट, variable name for what, confirm password, right? Do you guys remember it? You guys remember it? If I go to text confirm, if I right click, there is, if I go to change variable name, it is written as text confirm. Okay, if the content of this is not equal to this, yeah, if it is equal and if the value is equal to false, that means it is, if it is not equal, I need to display a message. What is the message that I want to display? That your password is incorrect, right? Right. Is this code clear to you? ये line clear हो गया आपको? Yes sir. Is this part clear to you? That is very important. Okay. So text confirm dot get text. If that string that I'm getting, that string dot equals to another string which is coming out of text password. If both are, I'm applying equal function onto it. If the value is coming as false, that means if they are not equal. In that case, I need to display a message. And what is that message that I want to display? Please enter the correct password nahi hoga, please enter the yeah, correct password jo bhi hai message aap dal do fir aapke liye. Okay, is that like clear? Correct password hi aayega na. Yeah, please enter similar password, yeah, exact password. Yeah, जो भी है यार, जो भी है. Fine, is it clear? यहाँ तक clear है? Password doesn't match. Confirm, ठीक है, correct confirm password. Yeah. Yeah, exactly. Yeah. So that would be better one. So password doesn't match. Okay, so this is the message that I'm presenting. Okay, uske baad what is the next thing that I need to do? I need to check whether he's selecting the user type or not. Okay, right? Yes sir. Right, but that is automatically being selected na, ho to mere khayal se wo select ho jayega automatically, wo check karne ki zarurat nahi, because automatically we are setting as student
अगर वो सिलेक्ट नहीं करता है तो स्टूडेंट ही सिलेक्ट हो जाएगा. सो बाय डिफॉल्ट आई एम एंटरिंग दैट वैल्यू स्टूडेंट ओनली. ओके सो या सो इतना मेरा काम हो चुका है. ओके उसके बाद अब मुझे क्या करना है, अगर ये सारे कंडीशन हुए तब मेरे को डेटाबेस में जाके डेटा को एंटर करना है. ओके सो आई जस्ट चेक इट आउट कि मेरा इतना पार्ट कोड रन हुआ है क्या बराबर से. सो व्हाट आई विल डू इज अगेन आई विल गो टू कॉन्फिग. कॉन्फिग में मेरा फिर से स्टार्ट है, कस्टमाइज न्यू यूजर ही है. ओके सो आई जस्ट ट्राई टू रन दिस कोड अगेन. ओके मैं इसको रन करता हूं. ओके सो रनिंग, देयर इज नो एरर. ओके सो राइट नाउ मैं अगर यूजर एंटर नहीं करता हूं, कुछ भी यूजर नेम नहीं डालो, आई एम जस्ट क्लिक ऑन साइन अप. सो क्या आ रहा है, प्लीज एंटर द यूजर नेम. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? दिस इज व्हाट इट शुड कम. या सो इफ आई एंटर समथिंग, लेट्स से इफ आई एंटर माय नेम व्हिच इज एमा, एंड इफ आई डोंट एंटर द पासवर्ड, इफ आई साइन अप अगेन, सो इट इज आस्किंग प्लीज एंटर द पासवर्ड. सो आई नीड टू एंटर द पासवर्ड. सो आई एम एंटरिंग पासवर्ड एज 1 2 3 4. ओके एंड इफ आई जस्ट अगेन साइन अप अगेन, इट इज सेंडिंग दैट पासवर्ड डजंट मैच बिकॉज कंफर्म पासवर्ड में मैंने कुछ डाला नहीं. If I write down 1 2 3 4 again, and if I click on sign up, now everything is perfectly fine. Okay, I'm a student. If I want to select admin, so it is perfectly fine. Okay, बराबर ना, सही चल रहा है ना? Yes sir. Right. Now can we insert the data into the database? Can we, are we good to go insert the data into the database? हमने सारा डेटा डाल दिया, आप सही सारा डेटा उठा के डेटाबेस में डाल दें. Okay, so now I just close it, and we need to write down the program for the database. Okay, yeah. So I'll just quickly jump to this. ओके यहाँ तक मैंने परफेक्टली लिख दिया कोड, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, मैंने वैलिडेशन कर लिया. वैलिडेशन करने के बाद अब जो मेरी बारी है वो मुझे लिखना है डेटाबेस की एंट्री के लिए. ओके सो आई जस्ट राइट डाउन एल्स पार्ट ओवर हियर. इफ एवरीथिंग इज प्रॉपर, If everything is perfectly fine, यानी मैंने डेटा डाल दिया, मैंने यूजर नेम डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, दोनों चीज बराबर है, दोनों मैच कर रहा है, सब कुछ है, then go to the else part. Okay, go to the else part. In the else part, I'll write down the code for the database. So यहाँ पे मेरा database का कोड आएगा. Okay, so just I'll make a comment. And this is code for database. Fine. Is that clear? Yes. Is that clear? Yeah. So in the code for the database, I need to use two different classes. मुझे दो class को use करना है. One is called as a connection class. Okay. So I'll just write down connection. Connection class. Okay. So I'm creating a connection class. Okay. So it is asking error करके. Okay. So yeah. So it is asking me to, this class is present in MySQL mein hai. So I'll be using the basic one. I don't want to include over here, so I'll just write over here automatically my class le leta hu, which is import. Okay, and I'm importing java dot SQL or connection. There is a class called connection. Yes. If I click connection, it will include the connection class. Okay, connection class will use karega. So I'm using that connection class in order to use any connection. In order to use any class, I need to create an object, right? Do you guys agree that to that point? कोई भी class अगर मुझे use करना तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका object बनाना पड़ेगा. बराबर. बराबर. Yes, so I'm creating a connection class called as connection. So in order to use connection class, I'm creating an object called as CON. Okay. उसके बाद मुझे एक और class बनाना पड़ेगा, and that is called as एक और class का object बनाना पड़ेगा, that is called as prepared statement. Okay. So I need to create another class called as prepared statement. ये क्या है मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ. So I need to create these two class को use करना है in order to execute my query, in order to set up a connection. Okay, so ये दो class मुझे use करना ही पड़ेगा. Okay, so I just need to create an object for this by the name of PhD. Okay, prepared statement अभी मैंने import नहीं किया, so I'll just quickly go to above and I'll import
support Java dot SQL dot prepared statement. Okay. I mean, imported it. I'll just put a semicolon, and I hope that error will go away. Yeah. So error has been gone. Okay. ये दोनों मैंने object बना दिया है. Okay. One is call and other is PHT. So I'll quickly go to the else part. Else part में जा करके इस इन दोनों को object को use करके I'll write down the code for it. Okay. The code is very important. So just please pay attention for it. See, the code is basically. So the code is basically class dot for name, okay, and this I need to give the driver that I'm using basically. Okay, so what is the name of the driver that I'm using, okay, in order to join the database and my form. Okay, so for this I need to write down the class for name. For that I need to pass that driver name. So I'm using call dot MySQL dot JDBC dot driver. I'm using this class right now. Okay, this is the driver that I'm using. Okay, I'll put a semicolon over there. Is that clear? So it is showing some error. So I'll just quickly click on it, and it is asking me to surround this statement with try and catch. Okay, so what is the problem is, sometimes what happens is basically, if you're creating a database, if you're trying to connect to a database and that database doesn't come, okay, it doesn't exist, so there is a problem which is being created, which is called as exception. Okay, so exception karke concept hai, which is again a module number 4th, I guess. Okay, which is called as exception handling. What is exception handling? There is a difference between error and exception. एरर क्या होता है, अगर यूजर कोई गलती करते हैं, ओके, इफ अ प्रोग्रामर डज अ मिस्टेक, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज एरर. एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है कि अगर एंड यूजर जो है, जो जिसके लिए आपने प्रोग्राम लिखा है, वो अगर यूजर ने गलती कर दी है, सो दैट इज कॉल्ड एज एक्सेप्शन. ओके, सो कई बार क्या होता है कि हमने डेटाबेस से कनेक्ट तो कर दिया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यूजर ने डेटाबेस डिलीट कर दिया, या ड्राइवर इंस्टॉल ही नहीं किया, या कुछ ऐसा कर दिया जिससे कि कनेक्टिविटी नहीं हो पाई. सो वो कनेक्टिविटी के लिए प्रोग्रामर की गलती नहीं है. ओके, इट इज नॉट द जॉब ऑफ प्रोग्रामर, ने कोड बराबर लिखा है. ओके, सो ये गलती यूजर को बताना पड़ेगा कि आप गलती कर रहे हो, आपका जो सीक्वल है, ड्राइवर जो है सीक्वल के साथ, वो इंस्टॉल्ड नहीं है प्रॉपरली. सो इन ऑर्डर टू डिस्प्ले दैट मैसेज इज बीइंग डिस्प्लेड विद द हेल्प ऑफ एरर मैसेज, एंड इन ऑर्डर टू कैच दैट एरर आई नीड टू सराउंड इट बाय अ ट्राई एंड कैच ब्लॉक. सो इफ आई रन ट्राई एंड कैच, इफ आई क्लिक ऑन ट्राई एंड कैच, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो अ कोड इज बीइंग जनरेटेड व्हिच इज कॉल्ड एज अ ट्राई ब्लॉक एंड इट इज कॉल्ड एज अ कैच ब्लॉक. ओके, अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ मॉड्यूल 4 व्हिच आई हैव नॉट रीच्ड अप टू. ओके, सो जस्ट रिमेंबर, आपको क्या लिखना है कोड, क्लास डॉट फॉर नेम इन ब्रैकेट कॉम डॉट माई सीक्वल डॉट जे डी बी सी डॉट ड्राइवर, इट इज द नेम ऑफ द ड्राइवर दैट यू इंस्टॉल. ओके, ये ड्राइवर आप इंस्टॉल कर रहे हो, एंड वहां पे एक एरर मैसेज आ जाएगा, जस्ट क्लिक ऑन दैट एरर मैसेज एंड ऑटोमेटिकली इट विल आस्क यू टू सराउंड बाय ट्राई एंड कैच ब्लॉक. इज दैट क्लियर? दोबारा समझाऊंगा, सो डोंट गेट टेंस फॉर दैट. ओके, इन दिस आई विल बी यूजिंग माय कॉन. ओके, यूजिंग कॉन इज नथिंग बट योर कनेक्शन. आई एम एक्सप्लेनिंग वेयर शुड आई गेट द डेटाबेस, वेयर इज माई डेटाबेस एक्चुअली. ओके, सो विद द हेल्प ऑफ driver manager is again a class, driver manager, and in driver manager there is a function called as get connection. Okay, with the help of get connection, I'll be explaining where is my exactly my JDBC actually located. Okay, so I'll just give the location for it. Okay, in this I'll explain what is my location. So the location is JDBC. okay, so it is JDBC, and JDBC mein it uses the MySQL software for
making the database, and in that database it is in the same machine itself. So same machine that it will be localhost. If it would have been in different machine, I would have to just put down the IP address of that machine. अगर आप चाहो तो आप नेटवर्क में भी कर सकते हो. ओके, सो राइट नाउ यू विल सी माय सीक्वल लोकल होस्ट. व्हाई लोकल होस्ट? बिकॉज़ इट इज इन द सेम मशीन. ओके, एंड देन आई नीड टू पास द नेम ऑफ द डेटाबेस. सो व्हाट इज द नेम ऑफ द डेटाबेस दैट आई हैव क्रिएटेड? किस डेटाबेस से आपको कनेक्ट करना है? स्टूडेंट मैनेजमेंट. गो टू दिस ओवर हियर. व्हाट इज इट? इज स्टूडेंट मैनेजमेंट. सो आई विल क्विकली गो टू ओवर हियर एंड आई विल जस्ट राइट डाउन स्टूडेंट. Okay, underscore management. Okay, fine. Yeah, that clear? Is it clear? Then I need to give the username and password. Username and password kiska? MySQL ka. So agar aapne jo bhi wahan pe diya hoga, wo aap wahan pe de sakte ho. So my username was root. So I'll give root over here, and then I'll give password to this. Okay. पासवर्ड इज ऑल्सो रूट फॉर मी. तो आपने जो भी यूजर आई डी दिया होगा माई सीक्वल का, वो यूजर यहाँ पे आएगा, यूजर नेम, एंड जो भी पासवर्ड आपने दिया होगा वो इट विल कम अंडर दी थर्ड एट्रीब्यूट. ओके, सो फर्स्ट एट्रीब्यूट में यू गिव विच डेटाबेस यू वॉन्ट टू एक्सेस, सेकेंड एट्रीब्यूट में यू पास द यूजर नेम, एंड थर्ड एट्रीब्यूट में यू पास द पासवर्ड. इज दैट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर. क्लियर? So after doing this, it is throwing an error. Okay, so error में ये क्या बोला कि driver manager इसको पता नहीं चल रहा है. So first मुझे क्या करना पड़ेगा? I'll have to go back again and मुझे import करना पड़ेगा driver manager को. So just write down import. Okay, Java or SQL. Sorry, import का spelling गलत हो गया. Import Java or SQL. Dot driver manager. So there is a driver manager that I need to import. Okay, done with this part. Clear? Okay, yahan tak. Okay, so what we have done till now, I have created two classes. I have to created two objects. One is called as a connection, and another is called as a prepared statement. Okay, connection jo hai aapka, it is basically used. Connection object is basically used to connect the database with my code. Okay, and prepared statement is basically used to prepare your query statement. Query statement जो आप run करोगे आपके database पे, उसके लिए आपको prepared statement use करना है. तो currently हमने अभी तक query लिखा नहीं है, but हमें पहले establish करना है connection. In order to establish the connection, so we'll be using a function. We'll be using driver manager. Driver manager में get connection, and in that I'll be passing the location or which database I want to access. So currently I want to access student management, and the user ID and the password is basically root and root, which I'm passing for the MySQL. So using this connection, it will establish the connectivity. Okay, and for establishing the connectivity, the driver that is using it is com.mysql.jdbc.driver. It is the driver that it is being used. Is that clear? Is it clear till now? Sir, अभी कौन सा package import किया? क्या हो गया? कौन सा पैकेज इंपोर्ट किया है? अभी मैंने ड्राइवर मैनेजर इंपोर्ट किया. आई हैव इंपोर्टेड द ड्राइवर मैनेजर. आई हैव इंपोर्टेड अ ड्राइवर मैनेजर यहां पे देख रहे हैं? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस फाइन. या सो ये इंपोर्ट करने के बाद, ओके, आई विल रिपीट, आई विल से दिस स्टेप अगेन. ओके, सो डोंट गेट टेंस, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. ओके, सो कई बार क्या होता है कि वो डेटाबेस वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है. ओके, सो इट इज अगेन आस्किंग कि ये एक्सेप्शन आ सकता है. तो उसको एक्सेप्शन पकड़ने के लिए आई हैव गॉट एन एसक्यूएल एक्सेप्शन. ओके, सो एसक्यूएल एक्सेप्शन क्या है? ये एक्सेप्शन, देयर इज अ बिग टॉपिक. ओके, इट इज अ ह्यूज टॉपिक व्हिच आई वांटेड टू टेक, बट या बिकॉज़ ऑफ लिमिटेशन ऑफ द टाइम आई वाजंट एबल टू टेक इट. या बट जस्ट अंडरस्टैंड कि एक्सेप्शन इज नथिंग बट इट इज द एरर व्हिच इज थ्रोन बाय द यूजर. यूजर गलती कर सकता है. यूजर गलती क्या कर सकता है कि वो डेटाबेस डिलीट कर दिया, वो ड्राइवर डिलीट कर दिया. अगर ड्राइवर डिलीट कर दिया तो एरर यहाँ पे आ जाएगा. अगर डेटाबेस डिलीट कर दिया तो एरर यहाँ पे आ जाएगा. सो दिस इज द इन्फॉर्मेशन दैट यू गेट. सो यहाँ पे ये बोल रहा है कि वी कैन परफॉर्म द मल्टी कैच. सो अगर आपको कोड रिड्यूस करना है, सो यू जस्ट क्लिक ऑन इट एंड इट विल कंबाइन बोथ द एक्सेप्शन टुगेदर. सो क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन एक आ रहा है और एक एसक्यूएल एक्सेप्शन आ रहा है. सो अगर ये दो जगह पे कुछ भी गलती होगा, इट विल गेट कॉट एंड इट विल बी द एरर मैसेज विल बी डिस्प्ले टू यू. ओके, टू द यूजर. सो वो यूजर उस गलती से बच सकता है.
सो इट इज फॉर द यूजर इटसेल्फ. इज दैट पार्ट क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? इज इट क्लियर टिल नाउ? यस सर. क्लियर? सो नाउ वी हैव एस्टैब्लिश द कनेक्टिविटी. हमने एस्टैब्लिश कर दिया है कनेक्टिविटी. अब हमें क्या करना है? क्वेरी लिखना है. वी नीड टू राइट डाउन द क्वेरी. ओके, सो फॉर राइटिंग डाउन द क्वेरी वी यूज प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट. ओके, सो इन ऑर्डर टू यूज प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट द कमांड इज बेसिकली just a second. I got some message from college. Okay, just a few minutes. सर माइक बंद है. सो अभी हमने क्या किया? हमने सेटअप कर दिया डेटाबेस. अब हमें क्या करना है? प्रिपेयर स्टेटमेंट बनाना है. ओके, वी नीड टू राइट डाउन द क्वेरी. सो प्रिपेयर स्टेटमेंट कैन बी डन बाय यूजिंग द पीएचडी. पीएचडी को आप अप्लाई करोगे एंड पीएचडी कैन बी यूज्ड फॉर passing that prepare statement over the database and database can the query आप run कर सकते हैं. Okay, so the syntax is phd is equal to con dot prepare statement and in this over here I'll write down the query. So what is the query? I need to insert. So insert करने के लिए query क्या होगा? Can you, can someone tell me what is the query for inserting the values? Insert in query. Insert. क्या क्या value insert करने? Yeah, so I'll just write down insert into where I want to insert. Where I want to insert? Someone say it. If the DBMS only insert into. What is the name of the table? Registration student management. User, the name of the table was user. User. The name of the table was user. So insert into user. Okay, what I want to insert? Tell me the values. Insert into the user. Insert into the user values. What values I am inserting? Okay, so that insertion is generally done in the brackets, right? तो यहाँ पे क्या क्या वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ? व्हाट आई एम इंसर्टिंग? व्हाट आर द वैल्यूज आई एम इंसर्टिंग? कैन समवन टेल मी? व्हाट आर द वैल्यूज दैट यू वांट टू इंसर्ट इनटू दैट टेबल? कम ऑन.
यूजरनेम आईडी So I'll just write down username. I want username. I want password, and I want ID to be inserted. Right. Only these three things I want to insert. Barabar na? Yes, sir. Type. Barabar. So मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? Insert into user. The three things that I want to insert is basically I'll insert the username, the name of the table, and over here it should be exactly similar. Okay, so username, then I want password, and then I want utype. Na kya tha wahan pe utype tha kya tha? I think it was utype. Yeah, so I'll just write down utype. I'll write down utype. Okay, so ये तीन चीज़ मुझे insert करनी है. कहाँ से करनी है? What is the value that I'm inserting? The value that I'm putting is basically a question mark. नहीं, ID automatically incremented है ना? Okay. Question mark and question mark. Okay, so three question marks I'm inserting. ये question mark कैसे आएगा? I'll explain it. Okay, so what I'm doing is insert into user, which is a table name. यूजर में कौन कौन से कॉलम में आप क्या डेटा डालोगे? यूजर नेम में, पासवर्ड में और यू टाइप्स में आप डेटा डालोगे. क्या डेटा डालोगे? इट इज क्वेश्चन मार्क व्हिच विल बी गेटिंग शॉर्टली. इज दैट पॉइंट क्लियर? यहाँ पे सेमी यहाँ पे आप कमांड खत्म करोगे, विल कम डाउन. ओके, यहाँ पे आप आ गए. अब यहाँ पे आने के बाद आपको बताना पड़ेगा कि आपको क्या इंसर्ट करना है उसके अंदर, उस क्वेश्चन मार्क में क्या इंसर्ट करना है. सो फॉर दैट द कोड इज PHT. The code is PHT.6String. Okay, in this I'll give the width as 1, and I need to give the variable name. Okay, before giving the variable name, I'll just write down few codes over here. Okay, what is the code that I want to give? पहले मुझे ये बताओ मेरा यूजर नेम, पासवर्ड और यू टाइप कौन से वेरिएबल में है? इट इज इन विच वेरिएबल? सो आई एम टेकिंग थ्री वेरिएबल्स. पहला मैंने स्ट्रिंग ले लिया, एंड दैट स्ट्रिंग इज बेसिकली आई एम कॉलिंग इट एज अ यूजर नेम. ओके, ये यूजर नेम का जो वैल्यू है, इट इज कमिंग फ्रॉम दिस फॉर्म. ओके, विच फॉर्म इट इज कमिंग फ्रॉम? इट इज कमिंग फ्रॉम दिस यूजर नेम. व्हाट इज दिस वेरिएबल कॉल्ड एज? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वेरिएबल? इट इज टेक्स्ट यूजर. राइट. Yes, sir. So I need to get that data into the username. मुझे वो data लेकर के username में transfer करना. I need to take that data and need to transfer to username. So how should I write down? It is coming from text user, and I need to get that data. So उसके लिए मुझे क्या मिलेगा? Dot get text. बराबर ना? बराबर. Yes, sir. Similarly, I need to create another variable called as password. Okay, and that password is basically called as text user. It should come from text user, and it should come from get text. Sorry, not from the user. It should come from the confirm. Okay, and yeah, it should be get text. सिमिलरली मुझे क्या लेना पड़ेगा? स्ट्रिंग टाइप, एंड दैट इज इट विल कम फ्रॉम टेक्स्ट यू टाइप डॉट गेट टेक्स्ट. ओके, इट इज थिंग्स एंड एरर कंफर्म अनयूज्ड. ओके, okay, after taking these three things, I need to put down, I think,
need to convert this to string. Okay. Instead of get text, I think he is going to valid me over. So, get selected items, yeah, get selected items. And I need to convert it to two string. So, two. Fine. What I've done is I've taken the username, I've taken created three different variables. One is called as a username, other is called as a password, and third one is called as a type. ये तीनों मैंने क्या किया यूजर से लिया एंड वो यूजर से मैंने कैसे लिया फ्रॉम गेट टेक्स्ट मैंने उसे लिया ओके एंड गेट टेक्स्ट करके फ्रॉम द वेरिएबल नेम व्हिच इज टेक्स्ट यूजर उससे मैंने ले करके यूजर नेम को पास कर दिया सिमिलरली कंफर्म पासवर्ड से जो भी टेक्स्ट मिला वो मैंने पासवर्ड को पास कर दिया एंड सिमिलरली यूजर टाइप जो था मेरा उससे जो भी सिलेक्टेड आइटम मैंने जो भी सिलेक्ट किया होगा उसको स्ट्रिंग में पहले कन्वर्ट करके आई हैव पास्ड टू टाइप ओके सो दीज थ्री वेरिएबल्स हैव गॉट माय वैल्यूज ओके अब मैं क्या करूंगा php डॉट सेट स्ट्रिंग में द फर्स्ट वैल्यू जो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में जो वैल्यू होगा विच इज नेम यूजर नेम है यूजर नेम है आई विल पास इन दिस यूजर नेम आई विल पास द फर्स्ट वेरिएबल व्हाट वाज द फर्स्ट वेरिएबल इट वाज यूजर नेम सो आई जस्ट पास यूजर नेम ओके तो ये यूजर नेम में जो मैंने वैल्यू लिया था विच इज बीन हाईलाइटेड राइट नाउ वो वैल्यू आएगी और वो जाएगी फर्स्ट कॉलम में इज दैट क्लियर इज इट क्लियर Is it clear? Is it clear? Sir. I'll just copy it. Sir. I'll just copy it. I'll paste it. I'll just copy it. I'll just paste it. Yes? Sir, जब आपको error आते हैं ना तो आपको click करके दिखाते हैं ना वहाँ पर. हाँ 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 हाँ. क्या वो कौन सा error है फिर उसकी हिसाब से अपने आप को import कर देता है program में. उसके बाद फिर हम लोग आराम से डिस्कस करते कुछ भी एरर आ रहा है तो ठीक है ओके फाइन सो ये मैंने कर दिया यूजर नेम की जगह पे सेकंड कॉलम में मेरा सेकंड वेरिएबल स्टोर होना चाहिए पासवर्ड पासवर्ड ओके So password will get highlighted and the third variable which is type, that type should get stored over here. So the third column. Okay, ये तीनों मैंने डाल दिया. Okay, ये तीनों डालने के बाद after doing this, I need to run the query. अभी तक मैंने query run नहीं किया. मैंने query तो form तो कर दिया है. मैंने अभी तक query को run नहीं किया. Okay, so in order to run the query, the command is php dot. Just a second, कुछ तो गड़बड़ किया है मैंने. So I just need to execute it. कुछ नहीं बराबर है. Yeah. So php dot execute. I need to execute it. Execute and update. Yeah. So execute update करके query है. उसको मुझे इस function को मुझे run करना पड़ेगा. On running this, my query will get executed and it will update the table. Okay. So this is why we write down this. Okay. ये होने के बाद अब मुझे मैंने सब अपडेट कर दिया. अपडेट करने के बाद मुझे मैसेज क्या देना पड़ेगा. What is the message that I need to give? What is the message that I need to give? The user has been created, right? The user has been registered. So I'll just write down the option pane. The option pane dot show message dialog. And in this, I'll just write down. Null and I'll write off the message that I'm passing okay so the message that I'm passing right now is the user has you have been signed in
do you register? Okay. Then, ये हो गया मेरा else part. After registering, I need to perform some steps. Okay. What are the steps that I need to do? जो भी मेरा text box है उसको मुझे empty करना है. मैंने डाल तो दिया. सबमिट करने के बाद वो वहां पे रहना चाहिए. आई नीड टू एम्प्टी एवरीथिंग. ओके, सो इन ऑर्डर टू एम्प्टी एवरीथिंग, इन ऑर्डर टू या इन ऑर्डर टू रिमूव एवरीथिंग फ्रॉम द टेक्स्ट बॉक्स, आई नीड टू राइट डाउन व्हाट आर द थिंग्स दैट आई नीड टू डू. सो यूजर टेक्स्ट यूजर, ओके, और गेट टेक्स्ट, उस टेक्स्ट बॉक्स को मुझे ब्लैंक करना है. सो इन ऑर्डर टू ब्लैंक आई विल जस्ट पुट दिस. ओके, सो सो इट इज ब्लैंक नाउ. देन आई नीड टू ब्लैंक माय पासवर्ड. सो टेक्स्ट पास इज इट डॉट गेट टेक्स्ट. सर सेट टेक्स्ट करेंगे ना, एंड आई विल पुट ब्लैंक. हां, यस 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 यस, गेट नहीं होगा. बराबर बराबर बराबर, माय बैड. So make it a set. Yeah, perfect. Okay, so set text, and I will make it as blank. Okay, then text confirm. But set text, and in that I'll pass again. Black. Okay. And finally, the last one is what was the last one? Text. What was the last one? User type. Okay, it's text you type. Yeah, text you type, right? So text you type. So text में नहीं है, combo box. हाँ हाँ, but उसका नाम हमने text रखा था ना? Yes, कब दे name, right? Yes. Right ना? So set selected index. And just quickly go to that function, set type dot set selected index. Okay, and I'll put over here -1. Okay, so it will go to that default one. Okay, so right now it will automatically go to that student. Agar main admin rakha hoga to it will go to student. Okay, ye ho gaya mera. Okay, and finally mujhe kya karna hai, I need to start from the first username pe jo mera cursor hoga, wo cursor mera username pe jana chahiye. It should go to the username. It should not be anywhere in between. Okay. So उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? Text user को focus set करना पड़ेगा. So just write down text user. And over here, I'll just write down. Sorry. In that, I'll call a function called as request focus. Okay. Done. Okay. So I think everything has been done right now. I'll just quickly run it and we'll see whether my data is being inserted or not. Okay, once it is done, I'll explain the code again. Okay, so I'll quickly run it. On this, the registration is being asked to enter. Okay, I inserted. First of all, I'll just check, is my validation working? So it is asking to enter the username. So I'm inserting my name. Okay, so my name is Emma. After inserting, it is asking me to insert the password. If I just check it, yeah, it is asking me to insert the password. So I'm inserting 1, 2, 3, 4. Then it is asking me to confirm the password. I'm still checking. So yeah, it is asking me to match it. So 1, 1, 1, 1. When it is asking, it is asking that password doesn't match. So I put my exact password, which is 1, 2, 3, 4, and then I'll make it as admin. Okay. Now I'll click on sign up. You have been registered. Okay, I'll just quickly go to my database. I'll check whether it has been executed or not. Okay, so if I run it, so I got my entries, which is got as 1, Amber, 1, 2, 3, 4, Adam. Is that clear? Is it clear? Yes, sir. Is it clear? Yeah. So I'll just explain the whole code again.
please pay attention carefully. Okay, so sabse pehle humne kya kiya, what we have made this design. I hope everybody got this design, right? Yes sir. Right now, after designing, just go to the source code. Okay, how to go to the source code? Jiska bhi code aapko likhna hai, jis button ka bhi code aapko likhna hai, so just double click on that code and automatically you reach to that set of code jahan pe aapko code likhna hai. On this button, you need to define the code for that button. Okay, so the code for that button is, first of all, you need to check the validation. You need to perform the validation. For performing the validation, you need to check the content of each text box, whether you have entered something or not. In order to check the content, aap kya karoge, uska variable loge, uske andar get text se get karoge, you will get the data, you will get that text, and you will check the length of it. If it is equal to 0, that means you have not entered anything, and you will display the message. How you will display the message? By calling a function of called as show message dialog of a class which is called as JOptionPane. So JOptionPane ke class ko aap call karoge, and on calling that class, there is a message in that class which is called as a message dialog करके एक मेथड है. उस मेथड के अंदर अगर आप प्लीज एंटर द यूजर नेम अगर आप ये इंसर्ट करोगे तो इट विल इंसर्ट व्हाट इट विल डिस्प्ले दैट मैसेज कॉल्ड एज प्लीज एंटर द यूजर नेम. ओके, वंस इट इज डन, अगले बार आप दूसरे मैसेज दूसरे टेक्स्ट बॉक्स को चेक करोगे, विल चेक वेदर पासवर्ड आप डाल रहे हो कि नहीं. इन ऑर्डर टू रिपीट द सेम थिंग अगेन, द सेम प्रोसेस इज रिपीटेड एग्जैक्टली द सिमिलर वे. ओके, सो विल गेट द गेट टेक्स्ट, विल चेक द लेंथ. इफ द लेंथ इज इक्वल टू 0, इन दैट केस यू हैव नॉट एंटर द पासवर्ड, दैट मैसेज विल डिस्प्ले. ओके, उसके बाद आप क्या करोगे, यू विल चेक वेदर योर पासवर्ड एंड योर कंफर्म पासवर्ड एंड द पासवर्ड दैट यू हैव फर्स्ट टेकन, इफ बोथ देम आर इक्वल और नॉट. ओके, इन ऑर्डर टू चेक दैट द कंडीशन इज टेक्स्ट कंफर्म, से आप गेट टेक्स्ट करोगे एंड यूजिंग द फंक्शन कॉल्ड एज इक्वल्स व्हिच इज अ स्ट्रिंग फंक्शन, यू चेक द कंटेंट ऑफ टेक्स्ट पासवर्ड और उससे गेट टेक्स्ट करके आप दोनों को चेक करोगे इफ दे आर इक्वल और नॉट. इफ द वैल्यू इज फॉल्स, इन दैट केस इफ बोथ द things are not equal, that means you will have to display a message which is called as password doesn't match. Is that clear? Till now everything has been done, everything has been checked. If everything is perfectly fine, okay, agar aapne username dal diya, agar aapne password dal diya, agar aapka password match kar gaya, sab kuch perfect hai, then you'll go to the else part. In the else part, okay, you don't have to start from here, you'll start from this line. The first line is that we'll write down this first line. Okay, what is the first line that you write? It is class dot for name. Okay, and in that case you will explicitly explain ki what is the driver that you're installing in it. Okay, so this is the driver that I'm installing, which is com.mysql.jdbc.driver. okay, so this is the name of the driver that I'm installing. Okay, so after installing, I'm basically installing a mysql jdbc driver. After installing this driver, after writing down this line, you have to write down exactly the similar line. ओके, सेम चीज आपको कॉपी पेस्ट करना है. ओके, आफ्टर डूइंग दिस आपको एक कनेक्शन क्रिएट करना है. ओके, कनेक्शन क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन और प्रिपेयर स्टेटमेंट, दो ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना है, कनेक्शन प्रिपेयर स्टेटमेंट PSTN CON. ये क्रिएट करने के लिए आपको कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और प्रिपेयर स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. सो ये दोनों आप मेथड के बाहर बना दें. सो आई एम क्रिएटिंग कनेक्शन कॉल एंड प्रिपेयर स्टेटमेंट PSTN. आई एम क्रिएटिंग टू ऑब्जेक्ट्स. ओके, using call I'm telling that where is my database exactly. Okay, so first statement is con is equal to driver manager dot get connection, and in that I am passing jdbc mysql localhost, and I'm giving the name of the user, the name of the database, the name of the username of the mysql, and the password of the mysql. This I'm entering into it, and then using prepare statement, I'm preparing my query. Okay, so how to prepare the query? It is PHT is equal to con prepare statement, and in that I am writing down the query. What is the query that I'm writing? Insert into what is user? User is the name of the table. What I'm inserting? I'm inserting the username, I'm inserting the password, and I'm inserting the user type. Okay, these three values I'm inserting, and what are the values that I'm inserting? Question mark, question mark, question mark. So question mark mein kya insert karoge aap? फर्स्ट वैल्यू जो भी आएगी, वो जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी, दैट विल बी इंसर्टेड इन द यूजर नेम. जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी, दैट विल बी इंसर्टेड इन द यूजर नेम पासवर्ड, एंड जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी, दैट विल बी इंसर्टेड इन द यू टाइप. और ये वैल्यू कहाँ से आएगी? इट विल कम फ्रॉम द सेट स्ट्रिंग. सो फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट अगर आपने लिखा, इट विल गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन मार्क. सेकंड आपने लिखा, इट विल गो टू द सेकंड क्वेश्चन मार्क. थर्ड जो आपने लिखा, इट विल गो टू द थर्ड क्वेश्चन मार्क. सो दिस इज हाउ यू सेट द स्ट्रिंग.
ओके एंड ये फर्स्ट जो भी वैल्यू है वो कहां से आएगी, इट विल कम फ्रॉम द यूजर नेम. यूजर नेम कहां पे आपने डिफाइन किया, दिस इज द यूजर नेम वेयर यू हैव डिफाइंड. और ये यूजर नेम आपने क्या वैल्यू लिया है, यू हैव टेकन द वैल्यू फ्रॉम द टेक्स्ट यूजर करके टेक्स्ट बॉक्स है, उससे आपने वैल्यू लिया है विद द हेल्प ऑफ गेट टेक्स्ट और उसको अपने यूजर नेम के अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं. सिमिलरली पासवर्ड के अंदर क्या स्टोर किया आपने, फ्रॉम द कंफर्म बॉक्स के अंदर से गेट टेक्स्ट क्लियर लिया है और उसको पासवर्ड के अंदर स्टोर कर लिया. एंड फ्रॉम टाइप यू फर्स्ट सेलेक्ट द आइटम, व्हाटएवर द सिलेक्टेड आइटम दैट यू हैव सिलेक्टेड उसको पहले आपने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है. आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू स्ट्रिंग यू हैव पास्ड इनटू टाइप. ठीक है, अब ये तीनों को आपने पहले कॉलम में वन में पास कर दिया, पासवर्ड को सेकंड में डाल दिया है, थर्ड को टाइप को थर्ड में डाल दिया. अब ये 1 2 3 जो भी वैल्यू थी वो यहाँ पे चली जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी, वन विल बी एंटर्ड ओवर हियर. सो फर्स्ट वैल्यू जो था आपका यूजर नेम, इट विल गो इनटू द यूजर नेम कॉलम. सेकंड जो वैल्यू था, इट विल गो इनटू द पासवर्ड कॉलम. एंड देन टाइप विल गो इनटू द टाइप कॉलम. इज दैट क्लियर? टाइप विल गो इनटू द यू टाइप कॉलम. इज दैट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर. इज इट क्लियर? यस सर. इज इट क्लियर? After doing this, after doing all this, after preparing all the prepared statement, you need to execute the prepared statement. In order to execute the prepared statement, you have to write down the you need to call the function called as execute update. So PHT dot execute update करने से आपकी जो query है वो update हो जाएगी. After updating it, you need to display a message that the user has been registered. So for that, you have written J option pane. Same message that you have written, you have to write down you have been registered. Okay, after entering that, आपको सारी चीजों को blank करना होगा. Okay, so whatever the user have inserted, it will have to be made as blank. So in order to make it as a blank, instead of get text, you will put a set text. So set text के अंदर you just put a semicolon and you don't have to insert anything. Okay, so it will be assuming that it is a blank. It will make it everything as blank. So you'll make blank your user. A text user, you'll blank your password, you'll blank your confirm password, you'll blank your user type. So user type आपको deselect करना पड़ेगा. Whatever has been selected, you have to deselect it. In order to deselect it, आपको क्या करना पड़ेगा? Select set select index आपको -1 करना पड़ेगा in order to deselect it. Okay? And finally आपको क्या करना पड़ेगा? You have to focus. आपका जो cursor होगा वो by default user box में जाना चाहिए. User name के box में जाना चाहिए. तो text user dot request focus करके आपको आपका cursor वहाँ पे पहुँच जाएगा. Okay? So, ये सब करना है. एंड फाइनली दो एक्सेप्शन आ सकता है, विच इज क्लास नॉट फाउंड एंड सेकेंड वन इज द सीक्वल एक्सेप्शन. ओके, सो क्लास नॉट फाउंड क्यों होगा? अगर आपका ड्राइवर अगर आपने इंस्टॉल किया है एंड वो ड्राइवर कहीं और इंस्टॉल हो गया या उसका लोकेशन अगर आपने नहीं दिया है, तो देर इज एरर विच इज बीन क्रिएटेड विच इज कॉल्ड एज अ क्लास नॉट फाउंड, विच आपको पकड़ना है. एंड सेकेंड इज द एसक्यूएल एक्सेप्शन. अगर आप ये क्वेरी के अंदर कुछ गलती कर देते हो, इंसर्ट क्वेरी में लेट्स से कुछ भी गलती करती है, सो इट शुड बी कॉल्ड बाय एसक्यूएल एक्सेप्शन. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पे इस क्वेरी में इनटू हटा दिया, ओके, इफ आई ट्राई टू रन इट, ओके, आई विल जस्ट स्टॉप द प्रोग्राम फर्स्ट. इफ आई रन इट नाउ, सो आई होप, ओके, जस्ट अ सेकंड, या इफ आई रन इट, मेरा प्रोग्राम रन हो रहा है. ओके, कोई एरर नहीं है, देयर इज एन एक्सेप्शन. एरर में हॉल्ट हो जाता, एक्सेप्शन में प्रोग्राम रन होगा. सो इफ आई इंसर्ट अहमद, okay, if I insert password as 1234, okay, yeah, my password change kar deta 4321, then confirm password 4321, okay, I'm making it as student and I'm signing up. Okay, insert ho gaya, okay, let's check it out, run it, save nahi hota kya mera program? सर बिना इनटू का होता है. ओके ओके ओके, या सो इफ आई जस्ट चेंज द नेम ऑफ द कॉलम, आई विल जस्ट चेक इट आउट. ओके, आई जस्ट चेंज द नेम ऑफ द कॉलम. ओके, एंड आई विल जस्ट ट्राई टू रन इट आउट. ओके, आई एम रनिंग, आई एम इंसर्टिंग द न्यू डेटा एज is password as 1111. I'm setting the password as 1111 and I'm making him as student only and I'm signing it up. Okay, so it is not getting signed up, okay, because of, I hope it, there will be a, yeah, so there is an exception which has been created. Okay, exception kya aa raha hai? It is MySQL syntax error exception. Okay, because of the unknown column and the column name is username, I have not included e into it. Okay, so because यहाँ पे मेरे SQL के अंदर कुछ एक्सेप्शन है, SQL में कुछ गड़बड़ है, that has been caught, और इसको किसने पकड़ा? It has been caught by this
catch block, which is called as SQL exception. Okay, and because of which it is showing that error. Okay, और ये मुझे पता चल गया, अब मैं वहाँ पे change कर दूँगा. After changing it, I can run the program. So I'll stop this program and I'll run it again. So on running, I'll just write down the username as Moise. Okay. I'm running the password as 1111. I'm confirming the password as 1111. Okay. I'm making it as student only. I run it. Now it will be registered. Okay. So perfectly fine. Clear, Yadav? Is it clear now? Is the program clear to you? Yes, sir. Is it clear? Yeah. So now I need to write down the code for login. Okay. So login ka code mujhe likhna hai. Okay. Yeah. So do you want me to halt it over here? यहाँ पे रुक जाना है. Login ka code बाद में देखें. I think 2 घंटा बहुत ज़्यादा हो जाएगा शायद. बाद में देखते हैं sir. बाद में. Yes sir. हाँ sir, stop करो. Fine. So I'll halt it over here. So yeah, so database और connectivity मैंने आपको बता दिया. कुछ doubt है तो पूछ सकते हैं. क्या क्या है? सर वो बता दो ना, enable पे चला जाएगा वो error का. आपका enable नहीं हो रहा है क्या? Automatically it is by default it is. सर वो error block. So for example अगर पता नहीं. Okay, अगर मैं जैसे new user आता है, it is automatically enabled. I don't know. सर वो आपको try catch block आया था ना, वैसा मुझे आ रहा नहीं है option. हाँ हाँ. आपको ट्रैक ट्राई और कैच का ब्लॉक आया था ना? ठीक है, मैं हाँ बराबर देखता हूँ. बाकी और किसी को कुछ डाउट है? एनीबडी स्टिल हैज अ डाउट? एनीबडी एल्स? आई विल सॉल्व योर डाउट लेटर. 2 मिनट. और किसी को कोई डाउट? एनीबडी स्टिल हैज अ डाउट? सर ये इनपुट क्या किया था वो देखना था सर. क्या कैसे कर किया था आपने? इनपुट क्या क्या किया था वो देखना था. ओके, इनपुट क्या क्या किया था हमने. ओके, सो आई जस्ट क्विकली शो यू द न्यू यूजर. सो इनपुट मैंने बेसिकली आई हैव टेकन यूजर नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड एंड दिस टाइप. ओके, ये 3 चीज मैंने इनपुट लिया था एंड आई स्टोर्ड इट इनटू माय डेटाबेस. इन डेटाबेस आई हैव गॉट, या सो इफ आई रन दिस क्वेरी, आई हैव स्टोर्ड 3 डेटास व्हिच इज एमर विद कैपिटल ए, एमर विद स्मॉल ए एंड मोइस. ओके, दी 3 इंफॉर्मेशन दैट आई हैव स्टोर्ड. Okay, using these 3 will be try to log in next time. Okay, so this is what I will be entering. Now I'll upload the video. You just go through it. You just try to make a database connectivity. Agar database connectivity mein koi problem aata hai, to tell me in the next class and I'll be explaining in the next class. Is that clear? Fine. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So I'll just stop the recording and you can tell me.